भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा में सीएम का चुनाव हाईकमान से होता है, लेकिन हाईकमान को छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम से कोई परहेज भी नहीं है। भाजपा ने कई राज्यों में आदिवासी सीएम बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री कानून को हाथ में लेंगे, ईडी के काम में दखलंदाजी करेंगे, तो फिर गिरफ्तारी तो होगी ही। दिल्ली पुलिस ने प्रदेश के मुखिया को गिरफ्तार किया है, क्या यह संवैधानिक है? आपको मालूम होगा कि गोधरा कांड जब हुआ था, उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो एसआईटी उनको भी 9 घंटे रोक के रखा था। रोकना और गिरफ्तार करने में अंतर है साय जी? तो है, लेकिन अब स्वतंत्र एजेंसी है, काम करेगा। अगर लोग सही हैं अपनी जगह पर तो डर काहे का। ईडी ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ये संवैधानिक प्रदेश का मुखिया वहाँ है, तो ये प्रदेश चलेगा कैसे? आपने कहा ना कि अगर सही है तो गिरफ्तारी क्यों हो रही है? अब छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? पंखाजूर में 600 किसानों का 7 करोड़ बकाया था मक्का का, और किसान लोग अपना पैसा पाने के लिए आंदोलन किए थे। उसमें हमारा पूर्व विधायक गोधराज नाग लोगों का साथ दिया, उसको गिरफ्तार कर दिए। अब ओपी चौधरी जी हैं, एक जो महीनों से वायरल हो रहा था, एक कोई माइंस का वायरल कर दिए, तो उनके ऊपर FIR हो जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कानून नाम की कोई चीज़ है क्या? इसकी तो ये नीति रही है कि इनके अनुसार वो तो ठीक और नहीं तो गलत। पी चौधरी के ऊपर FIR भोजराज नाग की गिरफ्तारी का बदला कहा जाएगा दिल्ली में? बदला नहीं है ये, भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति करती ही नहीं। आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, बदले की राजनीति नहीं करते तो नहीं। प्रयागराज और कानपुर में क्या हो रहा है? बिल्कुल जो वहाँ पर होना चाहिए वही हो रहा है। भूपेश बघेल की गिरफ्तारी उचित है? अब ईडी के अनुसार उचित है, तो सही है तो डर का है रहे। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का मास्टरमाइंड है। लंबे समय तक विपक्ष में रह के आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। आज 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और विपक्ष के लिए मास्टर है। मास्टरमाइंड पार्टी के पास ऐसा कौन सा आधार है जिससे आधार पर कह सकती है कि हम विधानसभा जीत रहे हैं? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के निगाह से उतर चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादे इन्होंने किए थे जन घोषणा पत्र के माध्यम से। आज 3.5 साल हो गया है। आज आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ, एक वादा बता दीजिए 36 में से, एक वादा जिसको 100% इन्होंने पूरा किया है। पूरे प्रदेश में जनता आक्रोशित है, और जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान, तो इनको भारी आक्रोश झेलना पड़ रहा है। बस्तर गए थे अभी, बस्तर में लोगों को सिखाया जा रहा है, अधिकारी लोगों को जो कांग्रेसी लोग हैं उनको बुला के सिखा रहे हैं कि तुमको क्या प्रश्न पूछा जाएगा और उसका क्या जवाब मतलब देना है। ये नौटंकी चल रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। 18 राज्य में सरकार है और हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। जी 2018 के चुनाव में भी तो आपकी पार्टी सबसे बड़ी थी। देखिए, कभी कभी हार जीत होते रहता है लोकतंत्र में, लेकिन 2023 का आने दीजिए। आधार क्या है आपका 2023 का जो दम्भ भरते हैं? तो बेस का बेस है क्या? बेस है जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, और अब सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास भारतीय जनता पार्टी इस देश को फिर से जगतगुरु बनाना चाहती है। 15 साल में तो आप प्रदेश को कुछ बना नहीं पाए। 15 साल में आप भी अगर आत्मा छू के अगर स्वीकार करेंगे तो चहुमुखी विकास छत्तीसगढ़ का 15 वर्षों में हुआ है। आदिवासियों का विकास किस स्तर तक जा गया है? देखिए, वास्तव में इस देश में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का चिंता की है। कांग्रेस सरकार में आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की, लेकिन कभी उनका विकास का चिंता उनको नहीं हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार इस देश में भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ, अलग से गठन हुआ, और आज छत्तीसगढ़ के का जो बजट है उसे ज़्यादा बजट सिर्फ एक
ट्राइबल विभाग का है। ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री आदिवासी का होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कम से कम बहुत सजग पार्टी है। आप जो आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करते हैं, ऐसा परहेज भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है कि आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। छत्तीसगढ़ में होना चाहिए कि नहीं, मतलब मान के होना चाहिए कि नहीं? 2023 में सरकार हम लोग बना रहे हैं, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं। हो या ना हो अलग बात है। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिस्टम से काम करेगी, किसी के कहने से नहीं करेगी। कांग्रेस सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में आदिवासियों का इस्तेमाल की है। तो कांग्रेस में ही आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस से पूछिए। 23 में केंद्रीय नेतृत्व आदिवासी चेहरे पे दांव लगाएगी, क्या मानते हैं? हम लोग विकास पर दांव लगाएंगे। 2003 में डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे और बहुमताई को दिखाया मुख्यमंत्री को। अभी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या बहुमताई को आप मुख्यमंत्री बने? ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। नए चेहरे आएंगे कि वही पुराने चेहरे दोहराए जाएंगे? जो विनिंग कैंडिडेट होगा वो हमारा प्रत्याशी होगा।